Aslan viewers, ये है Daihatsu Move 2016 और मैं आज आपको इसकी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के बारे में कुछ बताऊंगा जो रेडार सिस्टम के साथ और कुछ सेंसर के साथ काम करता है। Daihatsu Move का जो रेडार है वो उसके बिल्कुल विंडस्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। ये दो टाइप्स का भी आता है, एक आता है इसमें सिंगल रेडार मोनो और एक आता है स्टीरियो, इसमें दो कैमराज होते हैं या दो रेडार्स होते हैं। और इसके आगे बिल्कुल नीचे ये भी एक लगा हुआ सिस्टम, इसमें भी कैमरा और सेंसर है, ये भी सिस्टम के साथ ही काम करता है। अब ये करता क्या है कि जब आपकी गाड़ी ज़ीरो से मतलब के 5 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के दरमियान में स्पीड हो उसकी और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए ऊंचा या कोई दवार आ जाए या कोई भी चीज़ गाड़ी के आगे आ जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ख़ुद ब्रेक मारेगी। लेकिन यूजली ये होता है कि फुल ब्रेक नहीं मारती, वो आपको वार्न करने के लिए हल्की सी ब्रेक मारती है, गाड़ी से थोड़ी सी रुकती है। लेकिन कभी कभार फुल ब्रेक भी लगाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी गाड़ी के आगे आ क्या गया है, आपकी गाड़ी तेज़ कितनी जा रही है। बहुत तेज़ जा रही है कि फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं काम करती, फिर गाड़ी आपको ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं करेगी, ये थोड़ी स्पीड पर ही रुक करती है। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा इसको ऑन ऑफ किस तरह करते हैं सिस्टम को गाड़ी के अंदर से। और इसका इंशाल्लाह कल मैं इसको आपको टेस्ट भी करके बताऊंगा कि किसी चीज़ के ऊपर टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि काम किस तरह करता है। गाइस, Daihatsu Move की राइट साइड पे नीचे ये वाला बटन जो है, इससे आपकी जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है या ऑटो ब्रेकिंग है वो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, उसका तरीका ये है कि आप इसको एक दफ़ा दबाएंगे तो आपका लेन इंडिकेटर अलार्म जो है या नोटिफिकेशन जो आती है आपको, अगर आप लेन इंडिकेटर के बगैर लेन चेंज करें तो उसको ऑफ़ करने का तरीका ये है कि एक दफ़ा ये बटन दबाएं आप, वो ऑफ़ हो जाएगी। और इसको फिर से दबा के रखें 2 सेकंड के लिए, अब आपकी ऑफ़ हो गई है। ये वाला जो सिंबल है ना आपका, ये वाला सिंबल, ये आपकी एंटी कोलिजन या इमरजेंसी ब्रेकिंग का सिंबल है और ये वाला लेन वाला सिंबल है। अब आपकी जो ऑटो ब्रेकिंग है या इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो ऑफ हो गई है, अब आपकी गाड़ी ब्रेक नहीं करेगी किसी भी ऑब्स्टिकल के ऊपर। आपको दिखाता हूँ मैं इसे अंदर। और ये सिस्टम काम किस तरह करता है कि आपका जो रेडार लगा हुआ है आपका ये ऊपर ये वाला, ये और जो आगे नीचे जो सिस्टम लगा हुआ है इसके सेंसर कैमरा, ये उसके साथ काम करता है। अभी देखना इसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं मारेगी गाड़ी, ब्रेक मैंने ही मारी है क्योंकि जब ब्रेक मारती है गाड़ी तो उसकी आवाज़ आती है, वो आपको इंडिकेशन देता है कि अब मैं इसकी इमरजेंसी ब्रेकिंग या ऑटो ब्रेकिंग ऑन करने लगा हूँ। वापस उसी बटन को दबा कर रखें 2 सेकेंड और ये ऑन हो गई है। अब कोई ऑब्स्टिकल रास्ते में आएगा और अगर मैं 60 और 5 के दरमियान में होऊंगा तो वो अलर्ट देगी। अभी आगे मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अब देखते हैं गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये देखें इसने अलर्ट भी दिया है, गाड़ी स्लो कर लें, और अगर मैं गाड़ी स्लो ना करता तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाती गाड़ी की। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये ट्रैफिक के अंदर आपकी जो गाड़ी की कोलिजन है वो नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लेगा। ये इस पे आपने कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना, ये नहीं कि आपने ब्रेक का पेडल बिल्कुल ही छोड़ दिया है और आप ब्रेक नहीं दबा रहे, ये इसलिए नहीं है कि आपके लिए ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक मारे। ये इसलिए है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ब्रेक थोड़ी लेट मार रहे हैं तो सिस्टम आपका जल्दी ब्रेक मार देगा, आपके लिए खुद ब्रेक मारेगा। और इसकी बिलीव भी बनाना चाहिए कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इसमें ABS भी है, इसमें EBD भी है और ये ऑटो ब्रेकिंग भी है इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग। हम Daihatsu Move की इमरजेंसी ब्रेक का टेस्ट करने लगे हैं। एक ऑब्स्टिकल सामने रखा है और अब मैं एक्सेलरेट करूँगा गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड पर और देखते हैं कि अगर गाड़ी ऑटो ब्रेक करती है। मैं
मैं ब्रेक से बिल्कुल पैर हटा दूंगा। आई थिंक मुझे टेस्ट के लिए सीट बेल्ट ही पहन लेनी चाहिए। एक सेकंड, गाड़ी अब ड्राइव में है और मैं ऑब्स्टिकल की तरफ थोड़ी सी स्पीड में बढ़ने लगा हूँ। पहली ट्राई में गाड़ी ने ऑटो ब्रेक नहीं की, सिर्फ इंडिकेशन दी है। सेकंड ट्राई अब या तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है या तो गाड़ी ऑटो ब्रेक नहीं कर रही। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ उसको, नहीं नहीं कर रही ऑटो ब्रेक। मेरे ख्याल से जो ऑब्स्टिकल आगे होए वो थोड़ा बड़ा होए साइज में, तो फिर रिडार उसको प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा और फिर ऑटो ब्रेक करेगा। इतने छोटे से कार्टन को आई थिंक गाड़ी सही तरह डिटेक्ट नहीं कर रही। कर रही है, वो वार्निंग देती है कि गाड़ी की अब ब्रेक लगा दें, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही, ऑटो ब्रेक नहीं कर रही। इंशाल्लाह एक और था, मैं ट्राई करूँगा किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। इसके बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल आ जाए या कोई छोटी चीज़ साइकिल आ जाए या कोई बंदा आ जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं करेगी। गाड़ी के अगर एक और गाड़ी आ जाए तो फिर गाड़ी ब्रेक कर सकती है। वो भी हम टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह एक दिन, लेकिन आज के टेस्ट से ये पता चलता है कि कोई छोटी चीज़ गाड़ी के आगे आ जाए तो गाड़ी ब्रेक ऑटोमेटिकली नहीं करेगी। जो गाड़ी के आगे चीज़ है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फिर गाड़ी ब्रेक कर लेती है, लेकिन छोटी चीज़ अगर होएगी गाड़ी के आगे तो फिर गाड़ी ब्रेक नहीं करेगी।